उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय की जो आबादी है 18 से 19% के आसपास होगी, लेकिन योजनाओं का लाभ 35% से अधिक लिया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। और बकायदा बकायदा उसके नंबर हैं, उनके नाम हैं, और अगर आप चाहेंगे तो उन योजनाओं के बारे में आपको मैं पूरी सूची भी उपलब्ध करा दूंगा, कोई अंतर नहीं पड़ता। देखिए, वह उत्तर प्रदेश का जो नागरिक होगा उसके हितों के लिए कार्य करना हमारा नैतिक दायित्व बनता है, हम उसके हितों के लिए कार्य करेंगे। हमने तो पहले ही कहा था, मुझे लगता है विधानसभा सीनियर सदस्य हैं और आपने देखा होगा पहले ही भाषण में हमने इस बात को कहा था कि विकास में कोई भेदभाव नहीं होगा, विकास सबका, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं, तुष्टिकरण नहीं करेंगे, विकास सबका होगा। योजनाओं का लाभ कोई ये नहीं कह सकता कि प्रधानमंत्री आवास योजना किस एक सूची में उनका नाम आया था या स्वच्छ भारत मिशन में उनका नाम आया था और उनको बाद में मना कर दिया गया, यानी उनकी जाति, उनका मत या उनका मजहब देख करके मना किया गया, कोई नहीं कह सकता। प्रदेश में कोई भी लाभार्थी इस प्रकार की बात नहीं कह सकता, राशन देने में या किसी भी योजना के लिए। हम लोगों ने तो अभियान चलाया, जिनके राशन कार्ड नहीं उनका राशन कार्ड बनाओ। आपके पास, मेरे सामने बात आई कि साहब हमारे पास समय वो नियम का प्रावधान करो, समस्या आपके पास इस बात की है कि आपके पास कोटा नहीं, उस कोटा को क्रिएट करो, ये सरकार का काम होना चाहिए। लेकिन हम भेदभाव नहीं करेंगे, कोई व्यक्ति कोई वंचित ये नहीं कह सकता कि हमें इस कारण से इस सुविधा का लाभ नहीं मिला। हम लोगों ने सबको उसको देने का कार्य किया और उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ हम लोग यहां पर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं।